उसकी रचना को, उसके काम को देखो। तो परमपिता परमात्मा कितना महान है, तो उसकी बनाई हुई सृष्टि को बड़ी बारीकी से देखना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं देखते। हम लोगों के पास टाइम नहीं है इतना देखने के लिए। दूर जाने की जरूरत नहीं है, कभी अपने शरीर की बनावट को ही बड़ी बारीकी से देख लो, तो आपको उसकी महानता का पता चल जाएगा, प्रभु कितना महान है। मैं किसी मंच के ऊपर भजन गा रहा था, यही भजन, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कोई भी भजन गाता हूं मैं अक्सर आंख मूंद करके गाता हूं, इधर पूरा पूरा ध्यान भजन गाने की तरफ, और दोनों हाथों की उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर चल रही हैं, और श्रोता सामने बैठे हैं बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इतने में क्या हुआ, मेरी पांव की उंगली के ऊपर कोई सरसराहट सी महसूस हो रही थी। अब आप देखो उस परमात्मा की रचना क्या कमाल की, भजन भी गा रहा हूं, आंखें भी बंद, कीबोर्ड के ऊपर हाथ भी चल रहा है, तो मेरी पांव की उंगली पर कोई सरसराहट सी महसूस हो रही थी, तो मेरा एक हाथ कीबोर्ड से उठा और धीरे से टटोल करके पकड़ करके देखा, तो क्या था, एक छोटी सी चींटी जल रही थी, है ना, रचना उस परमात्मा की। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। अगर ये सेंसर ना होता हमारे शरीर में, स्पर्श करते पता चलता है ना भी कहां चींटी चल रही है, तो फिर आप डॉक्टर को क्या बताते कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अद्भुत रचना परमात्मा की ये मानवता ने। बात चल पड़ी तो एक बात और जोड़ करके बता दो, सृष्टि तो बाकी तो बहुत, उसका तो आप बखान ही नहीं कर सकते। मैं तो केवल अपने शरीर की बनावट को ही कभी बारीकी से देख लेना, तो पता चलेगा कि परमात्मा जिसने ये शरीर बना करके हमें भेजा या मकान दिया वो कितना महान होगा। हमने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल सब्जी में लगाया, देखो क्रियाएं कैसे हो रही, रोटी का टुकड़ा तोड़ करके दाल में लगाया सब्जी में, और लेकर के हम मुख के पास लेकर के आए। जब हमने मुख खोला तो लेकिन उससे पहले नाक परमपिता परमात्मा ने मुख के ऊपरी फिट कर रखी है, और उसके होल किधर को है बोल दो, ऊपर को है, बोल ही नहीं रहे आप लोग। हो सकता दिल्ली में कुछ लोग हों जिनके नाक होल ऊपर को हों, दुनिया का चक्कर लगा के आ जाओ कहीं भी नहीं मिलेगा। तो उसके नाक के होल जो है वो मुख के ऊपरी फिट कर रखे, बिल्कुल पास में, एक नहीं है दो हैं। तो उसी समय नाक ने सूंघा, उसकी रिपोर्ट एकदम हेड ऑफिस में भेजी, यहां दिमाग में, फिर दिमाग ने तुरंत काम किया, प्लीज वेट वाला काम नहीं है यहां पे, तुरंत दिमाग ने काम किया और वह हाथ को आदेश दिया, रोटी का टुकड़ा मुख में नहीं डाला हमने, वापस अपनी थाली में रख दिया, और अपनी माता को अपनी बहन को आवाज लगाई कि जो दाल सब्जी थी वो मुझे लगता कि खराब हो गई, इसमें से तो कुछ गंध आ रही है। देखो ये तन के पुर्जे बोल दो करते हैं काम कैसे, उस परमात्मा की अद्भुत रचना है। जब इन छोटी छोटी चीजों को देखोगे तो नतमस्तक हो जाएंगे हम परमपिता परमात्मा के प्रति। आओ उस प्रभु को याद करते हुए एक और भजन जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत ही सुंदर लिखा है, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। अद्भुत किस्म का यह भजन पंडित श्री सत्यपाल पथिक जी ने जब लिखा होगा, उनके मन के घोड़े पता नहीं कहां कहां दौड़े होंगे। आओ भूमिका की अब जरूरत नहीं है, आपकी सेवा में इस भजन को कहना चाहता हूं। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो।
प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। सदा मेरे वश में मेरी इंद्रियां हो, सदा मेरे वश में मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। ना शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, ना शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पे, मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पे, दुनिया में मुझको सरदार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं समझू न जग में किसी को बेगाना, मैं समझू न जग में किसी को बेगाना, मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो
कोई दीन दुखिया मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो।